वेलकम बैक फ्रेंड, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक। आज हम रिव्यू करेंगे हॉटस्टार प्लस डिज्नी पर रिलीज हुई मुलान। You will die pretending to be something you are not. Yet here I stand, proof that there is a place for people like us. A girl threatens all plans. A warrior. क्योंकि डिज्नी की 1998 में आई हुई 2D एनिमेशन फिल्म का रिमेक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, डिज्नी अपनी सारी पुरानी एनिमेशन फिल्म को लाइव एक्शन फिल्म में कन्वर्ट कर रहा है। ज़्यादातर डिज्नी अपनी एनिमेशन फिल्म को कॉपी पेस्ट करके लाइव एक्शन फिल्मों में कन्वर्ट कर देता है। मुलान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुलान में राइटर ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। कहानी का पूरी तरह से फोकस मुलान के कैरेक्टर पर है, जिसके देश पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए वो अपने फादर की जगह जंग में शामिल होती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इस देश की जंग में लड़कियों को कभी शामिल नहीं किया जाता, और मुलान एक लड़की है, तो क्या वो इस जंग में शामिल हो पाएगी या नहीं, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म मुलान। तो आइए चलिए बात करते हैं कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, और अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। अगर आप डिज्नी की एनिमेशन फिल्में नहीं देखते और आपने 1998 की मुलान नहीं देखी है, तो आपके लिए ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको आप एक बार तो देखकर एंजॉय कर ही सकते हैं। इस फिल्म में काफ़ी बड़े एक्टर्स के नाम शामिल हैं, जैसे कि डोनी ऑन, जेसन स्क्वाट और जेटली। लेकिन इन सभी कैरेक्टर को वेस्ट किया गया है, ना तो उनको अच्छे फाइटिंग सीन्स दिए गए हैं और ना ही उनके कैरेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप करके दिखाया गया है। बात करें सभी एक्टर के परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज है, और बात करें फिल्म की लीड एक्ट्रेस की, उनके क्या ही कहने, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बकवास है। बात करें फिल्म की कहानी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में लिखी गई है। ऐसा लगता है कि राइटर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस कहानी को जल्द से जल्द ख़त्म करने का। जिस तरह से 1998 की फिल्म मुलान में हर चीज़ की डिटेलिंग अच्छी तरीके से दी गई है और मुलान के कैरेक्टर के सेक्रीफाइसेस को अच्छी तरीके से दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें इस मुलान से मिसिंग नज़र आती हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम इस फिल्म की यह है कि 1998 के मुलान के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन इस मुलान के पास दिव्य शक्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे 1998 की मुलान में, जिनको इस मुलान से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फिल्म को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होती नज़र आती है। बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, जो कि अच्छा है। फिल्म के एक्शन सीन्स, डायरेक्शन, एडवेंचर फिल्म को एक बार देखने काबिल तो बनाते ही हैं। मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक वन टाइम वॉच मूवी है, अगर आपने 1998 की एनिमेशन फिल्म मुलान नहीं देखी है तो। और अगर आपने 1998 की मुलान देखी है, तो आप इस फिल्म को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। मास ऑडियंस के लिए ये एक अच्छी फिल्म है, वो इस फिल्म को एक बार इंजॉय कर सकते हैं। मेरी फाइनल रेटिंग इस फिल्म के लिए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। मेरा रिव्यू अगर आपको ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे कर ज़रूर बताइए। मैं हूँ अदनान, आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।